किसान को बॉल लगते दिन की दो गंगिया दो की चार गंगिया। भैंस के बदले रुपया, सजा के बदले समझौता। पुलिस केस क्यों करना जब सेटलमेंट खुद पुलिस ही करवा रही हो। ये वीडियो यूपी पुलिस में तैनात दरोगा विजय प्रताप के सरकारी आवास का बताया जा रहा है। दरोगा जी के घर पर ही एक समझौता हो रहा था जिसमें रुपयों की लेन देन की जा रही थी। दरअसल ये समझौता आरोपी और विक्टिम पक्ष में कराई जा रही थी, जिसके मुताबिक 50,000 रुपए के बदले पीड़ित पक्ष को पुलिस केस वापस लेना था। तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। यूपी के बदायूं में 23 फरवरी की रात सत्यभान के घर से उनकी भैंस ही चोरी हो गई। हालांकि वारदात वाली रात सत्यभान की पत्नी को चोरों के होने की आहट हुई, जिससे वो फौरन जग गई। जागने के बाद सत्यभान की बीवी ने चोरों को देखा और वो शोर मचाने लगी, जिससे गाँव के कई लोग मौके पर पहुँच गए। लेकिन चोरों की गैंग बाकायदा तैयारी से आई थी। गाँव वालों को देखते ही गैंग ने असलहा निकाल लिया। असलहे के दम पर चोर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं और फौरन ही मौके से भाग जाते हैं। फिर तो मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया कि वो चोरों को पहचान लिए थे। पीड़ित की माने तो आरोपी दिन में पशुओं का व्यापारी बनकर गांव-गांव घूमता था। इसी दौरान आरोपी उनके पास भी भैंस खरीदने की इच्छा लेकर आया था, जिसके बाद ही आरोपी पीड़ित के घर से दो भैंस चोरी करके भाग गया। सत्यभान की माने तो कादर चौक के थानेदार वेदपाल सिंह और दरोगा विजय प्रताप ने आरोपी को हिरासत में लिया था, जबकि पुलिस ने सत्यभान से कहा कि आरोपी को जेल भेज देंगे तो 10 दिन में छूट आएगा, इसलिए सोच लो, फैसला कर लो। पीड़ित की माने तो पुलिस ने आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता के लिए 50,000 रुपए दिलवा दिए। पुलिस के सामने ही ये रकम आरोपी के सहयोगी ने सत्यभान को दिए, साथ ही इसका पूरा वीडियो बना लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस के पचड़े में फंसे पीड़ित ने 50,000 रुपए लेकर एक पेपर तक साइन कर दिया। वहीं कादर चौक के एसओ वेदपाल सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ कर लाए थे, लेकिन पीड़ित सत्यभान ने उसे देखकर पहचानने से इनकार कर दिया था। हालांकि चोरी वाले मामले की जाँच हर एंगल से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।